বাহিরা বাংলা নিউজ, সততার সাথে মানবতার স্বার্থে। हम लोग नेशनल पार्टी में इसलिए आए, 31 साल से 31 वर्षों से हमने ह्यूमन राइट्स से काम किया, बहुत सारे केसेस को सुलझाव किया। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 700 सेंटर कोर्ट्स में काम करते हुए आया, मगर हम लोग सिस्टम में बदलाव नहीं ला पाए। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए हमें सत्ता में जाना ही होगा। सिस्टम में बदलाव लाने का पावर सिर्फ नेता को ही है, इसीलिए पार्लियामेंट में जाना होगा, राज्यसभा में जाना होगा, लोकसभा में जाना होगा। इसी कारण हम लोग ह्यूमन राइट्स से अभी हम लोग पार्टी बनाए कि सिस्टम में जाए और वहाँ पे जो भी एक्ट होते हैं उसको हम अगर गलत है उसको रोके या सही है तो उसको प्रमोट करें। ह्यूमन राइट्स का काम जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और आपका यहाँ पर क्या डिजिग्नेशन है? मेरा डिजिग्नेशन पार्टी में नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो आप इंडिया में कितनी कितनी जगह पे और कौन कौन आदमी दिया? ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हाँ। तो फर्स्ट फेज इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, थर्ड फेज का अभी नॉमिनेशन ख़त्म हुआ और 4, 5, 6, 7 है। अभी तक लगभग 35 to 40 कैंडिडेट्स हम लोग नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है अब तक। तो इलेक्शन तो आते हैं? इलेक्शन 11 से स्टार्ट है, 11 से फर्स्ट फेज है। आज 5 तारीख है। हाँ, आज 5 तारीख। हाँ, और कितनी देर है इलेक्शन? फर्स्ट फेज का है। हाँ। इसका मतलब होता है आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ जो है फर्स्ट फेज का इलेक्शन, उसमें नॉमिनेशन फाइल किया। मगर अभी जो इलेक्शन है सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ, सेवन्थ, वहाँ तक हम लोग, हमारा टारगेट है और 20-30 लोकसभा कैंडिडेट पे कंटेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो आपका क्या महसूस है इस बारे में? मतलब आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग। बंगाल में कितनी कैंडिडेट हैं? बंगाल में 7 कैंडिडेट हैं। 7 कैंडिडेट? वेस्ट बंगाल। कौन कौन जगह पे? बारासत, दमदम, कृष्णा नगर, बसीरहाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण। बस, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर और जो पार्टी हैं जी, उसके बगैर आप जीत सकते हैं या वोट ला सकते हैं? पार्टी हमारा मकसद है, देखो, एक जो खेल खेलते हैं उसमें हार जीत होती है, एक जो जंग लड़ते हैं इसमें हार जीत होती है, और हम भी अब जंग लड़ रहे हैं। हार जीत जो भी है हमें मंजूर है, लड़ना हमारा मकसद है। अभी नहीं तो नहीं, अगले 5 साल में हमारा कुछ ना कुछ MP होगा, कुछ ना कुछ MLA होगा। अब हमारी ये कोशिश है कि हमारी भी पार्टी है, ह्यूमन राइट्स वाले भी पार्टी में आ गए और वो लोग भी पॉलिटिकल कर सकते हैं, हमारे नाम से भी कुछ लोग अपनी अपनी जो हम लोग हमारे को देख के सीख सके। इसीलिए हम लोग यहाँ से 6-7 कैंडिडेट को ठहरा के, बिल्कुल 1-2 कैंडिडेट जीतने का उम्मीद रखते हैं हम लोग। आपको मालूम है और आप गेज करते हैं कि आपका जमानत जो सिक्योरिटी देते हैं, हाँ, वो जमानत बाजेयाप्त नहीं होगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप दमदम, बारासात और मालदा और कृष्णनगर में, कृष्णनगर सभी जगह वाइटल हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या मालूम होते हैं? देखो, मैं आपका आज कैंडिडेट, मैं आज ही विजयवाड़ा से आया हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से। कल परसों मैं मालदा उत्तर और दक्षिण में था, वहाँ का स्ट्रेटेजी देखा मैंने, वहाँ का कैंपेनिंग को ऑब्जर्व किया, नॉमिनेशन सक्सेस। सिलीगुड़ी में था तो सिलीगुड़ी में क्या महसूस? सिलीगुड़ी नहीं, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण। अच्छा, वहाँ था। कल हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया सक्सेसफुली, नॉमिनेशन फाइल हुआ, वहाँ कुछ लोग से हम लोग मीटिंग किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वकील, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ह्यूमन राइट्स का साथ खुद देना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये उम्मीद है बराबर हमारी जो डिपॉजिट है हम जरूर लेंगे। आपका नेशनल पार्टी का मेंबर्स क्या कितनी हैं और ह्यूमन राइट्स का मेंबर्स? ह्यूमन राइट्स का मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली पूरे इंडिया में 5 लाख होगा, ऑल ओवर स्टेट्स। अच्छा, बाहर के कंट्रीज में, 13 कंट्रीज में भी है, ये सब मिला के 5 लाख के करीब होगा। और पार्टी तो अभी हम 2 महीने से शुरू किया काम, मगर रजिस्ट्रेशन है 2009 से, बट हमने काम नहीं किया, अभी पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। अभी हमारी पार्टी में पूरी तरीके से हम लोग मंडल लेवल पे, विलेज लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई भी बॉडी फॉर्म नहीं किया, इस इलेक्शन के बाद में करेंगे। यदि आपको कई सीट मिल जाएगी तो आपको पहला काम क्या है?
कहीं सीट से काम नहीं बन सकता, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे फुल तरीके से काम करते हैं, तभी तो हम अपना प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। नहीं, एक सीट मिलेगा। तो क्या करना है? हमारा जो मैनिफेस्टो, कैसे आप काम शुरू करेंगे? हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने घोषित किया, जो हमने सुप्रीम कोर्ट को, जो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घोषित किया, इसमें जो जो लिखा है 45 हमारे प्रॉमिसेस है, इसमें एक एक तरीके से, जैसा कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एंड फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ऐसा एक एक पॉइंट को लेके जो आसानी से हो सके उसको लेके हम काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ओके।